इतना नहीं उड़ सकती वैसे मुर्गी, लेकिन मुर्गी को इतने पर लगे हुए हैं कि जे ये पकड़ी नहीं जा रही। ये रमजान की वजह से तेजी आगे और मजीद बढ़ जाएगा, बढ़ेगा आगे। हाँ, सर जी ये जड़ा रेट है जे ये वधना ये या घट हो रहा जे? शॉपकीपर की बात भी सुनी और जो कि सब्जी फरोश था वो ये कह रहा था कि जी सब्जी की प्राइसेस जो हैं वो उसकी फसल से भी रिलेट कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड ऑन प्लानेट एक और एपिसोड के साथ, मैं हूँ मोहम्मद रजा। रमज़ान की आमद आमद है, होपफुली अगर आप ये वीडियो देखें तो हो सकता है कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका हो या होने वाला हो या होपफुली हो चुका होगा। तो बहरहाल मैं आज जा रहा था सब्ज़ी मंडी, तो मैंने कहा चलें चल के देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि मंडी के हालात क्या हैं। कीमतें ऑब्वियसली पहले ही आसमानों पे बातें कर रही थी, तो अब आज की क्या सिचुएशन है और आने वाले अगले 10 से 15 दिनों तक या 20 दिनों तक या जब तक रमज़ान है उस वक्त तक क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि ये मैंने देखा है ये हमारा डायलमिया है स्पेशली पाकिस्तान का, कि इस तरह के इवेंट्स कोई भी इस तरह का त्यौहार आता है और हमारे यहाँ कीमतें आसमानों पे पहुँच जाती हैं। कुछ कीमतें वैसे ही आसमानों पर हैं, कुछ डेलिब्रेटली भी बढ़ा दी जाती हैं। आई एम नॉट श्योर कि उसकी क्या रीज़न है, शायद हम एक ही वक्त में बहुत कुछ कमा लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे चलता नहीं है निज़ाम। और अगर आप एक ही वक्त में सब कुछ कमा लेना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है कि आप एक ही वक्त में अगर आप सब कुछ कमा लेंगे तो बाद में आप क्या कमाएंगे। तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ को, इस रविश को ख़त्म होना चाहिए। और चलें बहरहाल, खैर बात कहीं की कहीं निकल जाएगी, बाहर एक लंबी डिबेट है, तो चलें चलते हैं मंडी और चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या किस चीज़ का क्या भाव हुआ हुआ है, और चल के फिर जो सब्ज़ी फरोश हैं या कुछ और जो चीज़ें वगैरह बेच रहे हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी ज़रा हालात मालूम करने की कोशिश करते हैं, ज़रा अंदर की खबर निकलवाने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या करते हैं कहते हैं। तो चलें चलते हैं, ज़रा देखते हैं। तो जनाब मैं मंडी पहुंच चुका हूं और सबसे पहले जो मेरी यहां पे प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं यहां पे खड़ा होकर गोश्त चिकन का ऑर्डर करता हूं। तो चिकन का चल के रेट पता करते हैं। चिकन तो इतना नहीं उड़ सकती वैसे मुर्गी, लेकिन मुर्गी को इतने पर लगे हुए हैं कि जे ये पकड़ी नहीं जा रही। तो चले चल के देखते हैं कि वैसे आज का रेट क्या है। जी सलाम अलैकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? सर क्या रेट है आज का? आज का 504। 504 रुपये? ये रमज़ान की वजह से या वैसे ही? ये रमज़ान की वजह से तेजी आगे और मजीद बढ़ जाएगा, बढ़ेगा आगे। हाँ, बढ़ेगा। तो क्या करें, घर में पालना शुरू कर दें मुर्गियाँ? नहीं सर। नहीं क्यों? अब तो रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। ओहो हो, जब भी रमज़ान आता है ना ये ऐसा ही होता है, पीछे से 10-20 बनने आगे से मुर्गी वाले नोट छोड़ते हैं। अच्छा, तो क्या करें फिर, छोड़ दें मुर्गी खाना? सारी बात इतना महंगा हो गया। तो ये तो मेरे ख्याल से बीफ के जितना रेट है, मेरे ख्याल से बीफ भी इतना ही कही है। नहीं, बीफ का भी रेट बढ़ा दिया गया, चिकन का जब से भरा है ना। अच्छा, तो बीफ भी 1200 हो गया। बीफ भी 1200 हो गया और मटन 2000 का किलो। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो जनाब ये देखें, रमज़ान की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह रेट आपको शायद बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ये आजकल कल परसों क्या रेट था वैसे, पिछले हफ्ते बाद क्या रेट था? 550-600। 550-600, तो आज 504 है, कम नहीं हुआ? आज आगे से तो कम हो गया, लेकिन अब बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, सुबह रेट बढ़ जाएगा। आज मंडी तेज चलेगी, आज तेज। हाँ, रमज़ान है ना, तो इसकी वजह से अब रेट बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। तो चलें बहरहाल सर, मैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे 3 मुर्गियाँ 2 मुर्गियाँ लेनी थी, तो वहाँ पे अब ये कर लेते हैं कि एक आधी मुर्गी ले लेते हैं। तो यानी कि आप ये देखें ना कि आपका जो परचेजिंग पावर है, वो जो आप 2 चीज़ें खरीदते थे वो अब आपकी 1 चीज़ होके रह गई है।
तो एनी वे चलें, मैं अपना ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो इसके बाद मैं आपको अंदर सब्जियों की जगह पे भी, या जब सब्जी मंडी है वहाँ पे भी लेके चलूँगा। नहीं जी, मंडी में पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे साइड्स पे सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं, ये छोलिया पड़ा है, ये मटर हैं, टमाटर। अजी टमाटर किस तरह जी? 120। आलू, प्याज 500 रुपए जी। एक जगह से आपने रेट चेक कर लिए, अब और आगे भी देख लेते हैं क्या मामला चल रहे हैं। भाईजान आलू किस तरह हैं? तो प्याज, हाँ जी, ये टमाटर 620 रुपए के। अब एक और जगह से भी ये चेक कर लेते हैं, ये देखिए जी, ये टमाटर, लहसुन, अदरक, आलू, प्याज। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजी आलू किस तरह जी? 250 रुपये के 5 किलो। अच्छा जी, प्याज 700 रुपये के 5, और टमाटर 120 रुपये किलो। टमाटर 120 रुपये किलो या तड़ी? ते लहसुन 350। ते अदरक, प्याज किस तरह? 600 रुपये। सर जी, ये जड़ा रेट है जी, ये वधना ये या कट हो रहा जी? ए 300 हो गया ने, आलू का मोहब्बत वाला रेट लाया, किलो का बट्टा फड़या भाई जी। मोहब्बत वाला रेट है जी, 280 रुपये आलू का। टमाटर की तरह नहीं, सरकारी रेट जो आया ही 54-55। टमाटर की तरह नहीं, सोना नहीं, 120 रुपये। टमाटर का भी वधना, सारे चीज का वधना है रमजान का करके। कौन जी? किस हिसाब न? फसल के हिसाब न। अच्छा चलो, शुक्र है। टमाटर, प्याज जेड़ा 1200 रुपये धड़ी नहीं खादा आपा? उस तो भी वध के खादा मेरे ख्याल 1200 की तो वध गया सी। हाँ जी, उधर रोजे तो नहीं सर, गल फसल थी है सारी। हाँ, 10वें रोजे टमाटर 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, उधर रोजे नहीं थे। अल्लाह वाले फसल का हिसाब है, देसी टमाटर चल पैने ने अपने 15वें रोजे आ रहे हैं। 15वें रोजे, 15 के रोजे आएंगे तो सस्ते हो जाएंगे। बीज तो सस्ते ने, 50 रुपये किलो ने, 40 रुपये। ये देखिए जी, ये खीरे पड़े हुए हैं, ये फार्मी खीरे हैं, और ये भी फार्मी खीरे हैं, लेकिन इनकी शक्ल बिल्कुल देसी जैसी है, लेकिन हैं ये भी फार्मी। तो इट वाज अ वेरी गुड ऑफ हिम के उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया, ये नहीं कहा कि जी ये भी देसी हैं और ये फार्मी हैं। उनका क्या रेट है? वो 80 रुपये। वो ताज़े हैं या क्या उसका क्या? और गाजरे किस तरह? ये जी रेड वाली जो कैरेट है ये 60 रुपए, और ये जो चाइनीज है ये 80 रुपए किलो है। धनिया 30 रुपए की गड्डी, और ये बंद गोभी वगैरह वो 50, और वो वाली रेड वाली 100 रुपये किलो। तो जनाब, ये था मेरा मंडी का मुख्तसर सा विज़िट। आपने वहाँ पे शॉपकीपर की बात भी सुनी, और जो कि सब्ज़ी फरोश था वो ये कह रहा था कि जी सब्ज़ी की प्राइजेज जो हैं वो उसकी फसल से भी
रिलेट कर रही होते हैं, जो कि बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फसल पे भी डिपेंड कर रही होती है। अगर लेट्स से उसने जैसे टमाटर बताया है कि टमाटर अगर आज 100 रुपये किलो है तो आने वाले दिनों में क्योंकि फसल लोकल स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें टमाटर की प्राइस जो है वो ऑब्वियसली जब फसल लोकल आ रही होगी तो उसकी प्राइस में यकीनन कोई ना कोई कमी आएगी। लेकिन इस बात को भी आप रद्द नहीं कर सकते कि जो आपके यहाँ पे जो शॉपकीपर है या दुकानदार जो है वो भी बिला वजह की प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। अगर कुछ तो महंगाई है और कुछ आपने खुद से महंगाई की होती है। तो जैसे कि आपने अगर कोई 10 रुपये की चीज़ है या उसकी रिटेल प्राइस 10 रुपये है तो वो उस 10 रुपये की बजाय वो चीज़ आपको 12 रुपये की, 15 रुपये की, 13 रुपये की मिल रही होती है। जहाँ पे जिसका दाव लगता है वो उस तरह से आपसे प्राइस को चार्ज कर रहा होता है। तो क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी या कोई टास्क फोर्स नहीं है जिसकी वजह से रिटेल मार्केट जो है इस तरह फ्री हैंड चल रही है और जिसके जो प्राइस और महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ है। तो बहरहाल आपने चिकन वाले की भी बात सुनी कि चिकन की प्राइजेज जो थी आज क्या है और कल या आने वाले दिनों में क्या प्राइजेज हो जाएंगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबके हालात पे हमारे हाल पे रहम फरमाए और इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल फरमाए, हमारे रोज़े कबूल व मंजूर फरमाए। और जो लोग आपके साथ अजीज़ो कारब आपके साथ नहीं हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए और जो आपके साथ हैं उनको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।